भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय तथा धृतराष्ट्र के सात पुत्रों का वध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, कर्ण ने तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे, फिर उसे भीमसेन ने इस प्रकार खेल में ही कैसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्ण का ही भरोसा रखते थे। इस समय उसे भीम के सामने से भागता देखकर दुर्योधन ने क्या कहा और महाबली भीम ने इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्ण ने उसे संग्राम भूमि में अग्नि के समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया? संजय ने कहा, राजन, अब दूसरे रथ पर चढ़कर कर्ण भीमसेन की ओर चला। उस समय कर्ण को कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन आग की लपटों में गिरने वाला है। कर्ण ने धनुष की भयंकर टंकार और तालियों का शब्द करते हुए भीमसेन पर धावा किया। बस दोनों वीर दो कुपित सिंहों के समान झपटते हुए, दो बाजों के समान तथा क्रोध में भरे हुए दो शर्भों के समान परस्पर युद्ध करने लगे। राजन, जुआ खेलने, वन में रहने और विराट नगर में अज्ञातवास करने के समय पांडवों को अनेकों कलेश उठाने पड़े हैं। आपके पुत्रों ने उनका विस्तृत राज्य तथा रत्न आदि हर लिए हैं। अपने पुत्रों की सलाह से आप भी उन्हें निरंतर तरह तरह के कलेश देते रहे हैं। आपने पुत्रों के सहित निरपराधिनी कुंती को लाक्षा भवन में भस्म करने का विचार किया था। आपके दुष्ट पुत्रों ने सभा के बीच में द्रौपदी को तरह तरह से तंग किया था। दुशासन ने उसके केश पकड़कर खींचे और कर्ण ने उससे यह कठोर बात कही कि अब ये लोग तेरे पति नहीं हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले। इन सभी बातों का इस समय भीमसेन को स्मरण हो आया, इसलिए वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर धनुष की टंकार करते कर्ण पर टूट पड़े। उन्होंने अपने बाणों के जाल से कर्ण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद कर दिया। तब कर्ण ने अपने तीखे बाणों से उस जाल को काटा और नौ बाणों से भीमसेन पर भी चोट की। इसके जवाब में भीमसेन ने फिर कर्ण को बाणों से आच्छादित कर दिया। उन दोनों का रण क्षेत्र उस समय यमलोक के समान भयंकर और दुर्दर्श हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्राम को बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते करते सारे आकाश को बाणमय कर दिया था। उन बाणों की चमक से उसमें चमचमाहट सी होने लगी थी। दोनों ही वीरों के बाणों की भारी मार से घोड़े, हाथी और मनुष्य मर मर कर धरती पर लोटपोट हो रहे थे। राजन, उस समय आपके पुत्रों के अनेकों योद्धा मारे गए। उनमें से कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे। इस प्रकार बात की बात में वह सारी रणभूमि हाथी, घोड़े और मनुष्यों की लोथों से पट गई। राजन, अब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीम पर 30 बाणों से चोट की। भीम ने 3 बाणों से उसका धनुष काट डाला और एक भल्ल से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। तब इंद्र जैसे वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्ण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीमसेन पर छोड़ी, किंतु भीम ने 7 बाणों से उसे बीच में ही काट डाला तथा कर्ण पर यम दंड के समान तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। कर्ण ने अपना विशाल धनुष खींचकर 9 बाण छोड़े, उन्हें भीमसेन ने 9 बाणों से ही काट डाला। फिर उन्होंने कर्ण के धनुष को भी काट दिया तथा अपने बाणों की बौछार से उसके घोड़ों को मारकर सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय से कहा, अरे, तू शीघ्र ही इस निमूछिया भीम को मारकर कर्ण की सहायता कर। तब दुर्जय
जो आज्ञा ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन की ओर चला। उसने 9 बाण भीमसेन पर और 8 उनके घोड़ों पर छोड़े तथा 6 से उनके सारथी को, 3 से ध्वजा को और 7 से स्वयं उनको बींध दिया। इससे भीमसेन का क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणों से उसके मर्म स्थानों को भेदकर उसे सारथी और घोड़ों के सहित यमराज के हवाले कर दिया। दुर्जय की ऐसी दुर्दशा देखकर कर्ण का हृदय भर आया। उसने रोते रोते उसकी प्रदक्षिणा की। इस बीच में भीमसेन ने कर्ण के रथ को तोड़फोड़ डाला। इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होने पर भी कर्ण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन्हें बाणों से बींधने लगा। भीमसेन ने उस पर 10 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों से चोट की। तब कर्ण ने 9 बाणों से भीमसेन की छाती छेदकर 1 से उनकी ध्वजा काट डाली। फिर उसने सारे शरीर को फोड़कर निकल जाने वाला अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह भीमसेन को घायल करके पृथ्वी को चीरता हुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेन ने एक वज्र के समान कठोर 4 हाथ लंबी 6 कोनी भारी गदा उठाई और उसे फेंक कर कर्ण के घोड़ों को मार डाला। फिर 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट कर सारथी को भी मार डाला। अब कर्ण अश्वहीन रथ को छोड़कर अपना धनुष तानकर खड़ा हो गया। इस समय हमने कर्ण का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह रथहीन होने पर भी भीमसेन को रोके ही रहा। तब दुर्योधन ने दुर्मुख से कहा, भैया दुर्मुख, देखो भीमसेन ने कर्ण को रथहीन कर दिया है, इसलिए तुम उसके पास रथ पहुंचा दो। यह सुनकर दुर्मुख भीमसेन पर बाणों की वर्षा करता बड़ी तेजी से कर्ण की ओर चला। दुर्मुख को संग्राम भूमि में कर्ण की सहायता करते देख भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और कर्ण को अपने बाणों से रोककर उसी की ओर अपना रथ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी क्षण 9 बाणों से उसे यमराज के घर भेज दिया। अब कर्ण ने कुछ भी आगा पीछा न करके 14 बाणों से भीमसेन पर वार किया। वे बाण उनकी दाईं भुजा को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब भीमसेन ने 3 बाणों से कर्ण को और 7 से उसके सारथी को बींध डाला। उन बाणों की चोट से कर्ण बहुत व्याकुल हो गया और अपने घोड़ों को तेजी से हांककर युद्ध क्षेत्र से चला गया। किंतु अतिरथी भीमसेन अब भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे। धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय, पुरुषार्थ को धिक्कार है, यह तो व्यर्थ ही है। मैं तो देव को ही मुख्य समझता हूँ। देखो, कर्ण ऐसी सावधानी से युद्ध कर रहा था, फिर भी भीम को काबू में नहीं कर सका। दुर्योधन के मुंह से मैंने कई बार सुना था कि कर्ण बलवान है, शूरवीर है, बड़ा धनुर्धर है और परिश्रम को कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता रहने पर तो देवता भी मुझे संग्राम में नहीं जीत सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है? जब उसी को दुर्योधन ने भीम के हाथ से परास्त होकर युद्ध से भागते देखा, तो क्या कहा? संजय, भला भीम के सामने टिकने का साहस कौन कर सकता है? यह तो संभव है कि कोई पुरुष यमराज के घर से लौट आवे, किंतु भीमसेन के सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो मूर्ख मोह के वशीभूत होकर क्रोध में भरे हुए भीम के सामने गए, वे तो मानो पतिंगों के समान आग में ही जा पड़े। भीमसेन ने हमारी सभा में सारे कौरवों के सामने मेरे पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की थी। उसे याद करके कर्ण को पराजित देखने पर दुशासन और दुर्योधन तो डर के मारे उसके आगे से भाग गए होंगे। कर्ण को रथहीन और भीम के हाथ से पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधन को श्री कृष्ण का अपमान करने के लिए पश्चाताप हुआ होगा।
युद्ध में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर उसे अपने अपराध के लिए अवश्य ही बड़ा संताप हुआ होगा। भला अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात काल के समान खड़े हुए भीमसेन के आगे जाएगा? मेरा तो यह निश्चय है कि बड़वा नल की ज्वालाओं में पड़कर भले ही कोई बच जाए, किंतु भीमसेन के सामने जाने पर कोई जीवित नहीं बच सकता। इसलिए भैया, अब तो मेरे पुत्रों का जीवन संकट में ही है। संजय ने कहा, कुरुराज, इस महाभय के उपस्थित होने पर आप चिंता करने चले हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के इस भीषण संहार की जड़ आप ही हैं। अपने पुत्रों की बातों में आकर आपने ही यह महान वैर बांधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया, किंतु मरणासन पुरुष जैसे हितकारक औषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसी की एक न सुनी। राजन, आपने स्वयं ही यह दुर्जर कालकूट विष पिया है, इसलिए आप ही इसका सारा फल भोगिए। अस्तु, अब जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ, वह मैं सुनाता हूँ। कर्ण को भीमसेन के हाथ से परास्त हुआ देखकर आपके पांच पुत्र दुर्मर्शन, दुस्सह, दुर्मद, दुर्धर और जय सहन न कर सके और वे एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर अपने बाणों से टिड्डी दल के समान सारी दिशाओं को व्याप्त करने लगे। भीमसेन ने उन्हें अकस्मात आते देख हंसते-हंसते अगवानी की। जब कर्ण ने आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने जाते देखा, तो कर्ण भी वहीं लौट आया। अब कौरव लोग उन्हें सब ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु भीमसेन ने 25 ही बाणों में सारथी और घोड़ों के सहित उन पांचों भाइयों को यमराज के हवाले कर दिया। उस समय हमने भीमसेन का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वे एक ओर तो अपने बाणों से कर्ण को रोक रहे थे और दूसरी ओर आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे।